साथियों, एक बुलंद और मजबूत सरकार ही बुलंद और मजबूत भारत का सपना साकार कर सकती है। खोखले वादे करने वालों, खोखली दोस्ती करने वालों का सच आप अच्छी तरह जानते हैं। एक दोस्ती उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय भी हुई थी, और चुनाव खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में पलट गई। अब एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। आपको बताओ, ये फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ, ये फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ, आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। और इस दिन बुआ और बबुआ, ये बुआ और बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे, फिर एक दूसरे को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाने लगेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां देने लगेंगे। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपना हित सोचने वाले ये लोग कभी गरीब का नहीं सोच सकते, कभी दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नहीं सोच सकते। मैं आपसे पूछता हूं, यूपी के लोगों से पूछता हूं, इनके आसपास ऐसे कितने गरीब हैं जिन्हें इन लोगों ने आगे बढ़ाया है? ढूंढने पर भी कोई नाम नहीं मिलेगा। गरीब के नाम पर राजनीति करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है।